हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तीरा का तड़का। आज हम दो जैन डिशेस बनाने वाले हैं, मेथी की खांडवी और बोरिका के मुठिये। मेथी खांडवी बनाने के लिए मुझे मेथी को पहले ड्राई रोस्ट करना है। मैं इसे 5-7 मिनट्स एयर फ्राई में डालूंगी। मेथी अपनी ड्राई रोस्ट हो चुकी है और उसका पाउडर बना के मैं उसकी खांडवी बनाऊंगी। 1/2 कप बेसन में मैं 2 टेबलस्पून मेथी पाउडर डाल रही हूँ। मैं अब 1/2 कप दही ले रही हूँ, उसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से उसे विस्क कर रही हूँ। बेसन और मेथी मैं एक बाउल में ले रही हूँ। अब मैं दही और पानी का मिक्सर डाल रही हूँ। मिक्स करके ऐसे नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है, हल्दी और 2 टीस्पून ग्रीन चिली। अच्छी तरह से इसे विस्क करना है और एक स्मूथ बैटर फॉर्म करना है। बैटर मिक्स हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ हींग। थाली को हम ग्रीस करके रखते हैं और फिर खांडवी की तैयारी करते हैं। ऐसे कोई भी फ्लैट बर्तन चाहिए जिसमें हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर सके इसे। खांडवी बनाने के लिए जो हमने मेथी और बेसन का घोल रेडी किया था, उसे हमें पहले सीव करना है ताकि कोई लम्स ना रहे और हमें स्मूथ बैटर मिले। ये प्रोसेस के टाइम में हमें गैस ऑन नहीं करना है। खांडवी बनाने के लिए हमें इसे धीमी आंच पर ही पकाना है। इसे कंटिन्यू स्टर करना पड़ता है ताकि कोई लम्स ना रहे। मैंने फ्रेश मेथी लेके उसको ड्राई रोस्ट किया था। ऐसे मार्केट में तो कसूरी मेथी मिलती है, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस और उसके कलर से मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैंने फ्रेश मेथी ड्राई रोस्ट की। हमें कंटिन्यू स्टर करना है। धीरे धीरे मिक्सचर देखिए गाढ़ा हो रहा है और सिल्की टेक्सचर आ रहा है और आप देख सकते हैं ग्रीन कलर मेथी का कितना अच्छा लग रहा है। खांडवी का बैटर रेडी हो चुका है। खांडवी को हम ग्रीस थाली पे स्प्रेड करेंगे। जितना बन सके उतना पतला स्प्रेड करना है। खांडवी के लिए स्प्रेड करने के लिए मैंने कोकोनट को ग्रेट करके रखा है, थोड़ा धनिया काट के रखा है और थोड़ी चिली 1 टीस्पून तक मैं डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगा। अब मैं नारियल का मिक्सचर स्प्रेड कर रही हूँ। खांडवी की तड़के के लिए तैयारी करते हैं। मैंने तेल गरम कर लिया है, मैं उसमें अब राई डाल रही हूँ, तिल डाल रही हूँ, दोनों भी सफ़ेद और काले। अब मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और थोड़ा सा खोपरा। तड़का रेडी हो चुका है। अब हम बनाते हैं मोरिंगे के मुठिये। मोरिंगे के मुठिये के लिए हमें ड्रमस्टिक लेनी है, उसे हमें कुकर में 3 विसल तक पकाना है। ड्रमस्टिक अपनी कुक हो चुकी है। ड्रमस्टिक को हम अभी चलनी में निकाल देंगे। मैंने ड्रमस्टिक को सेव किया था और अभी उसे मैं बॉस मशीन में घुमा रही हूँ उसके पल्प के लिए। और जो ड्रमस्टिक का पानी बचा था जो हमने सेव किया था, उसे थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी क्योंकि मुझे ज्यादा पतला नहीं चाहिए। ड्रमस्टिक को मैंने बॉस मशीन में ग्राइंड कर लिया था, अभी उसे मैं सेव कर रही हूँ उसके पल्प के लिए ताकि उसके छिलके निकल जाए। मुठिये को स्टीम करने के लिए मैं कढ़ाई में पानी डाल रही हूँ और मैं गैस ऑन कर रही हूँ। तो मुठिया बनाने के लिए तो बाजरे का आटा लिया है, 3 टेबलस्पून ओट्स का आटा, बेसन 3 टेबलस्पून और थोड़ा मिक्स करते हैं। मोरिंगा मतलब ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक के मैंने लीव्स भी लिए हैं और ड्रमस्टिक का मैंने पल्प भी लिया है। मैंने दोनों यूज किया है
अब मैं इसमें जुकीनी डाल रही हूँ ग्रेटेड हुई अराउंड आधा कप, ग्रीन चिली 2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार टेस्ट के हिसाब से अराउंड 1 टीस्पून, ये मैंने मोरिंगे के पत्ते चॉप करके रखे हैं उसे मैं डाल रही हूँ अराउंड 1/2 कप। अब मैं धनिया डाल रही हूँ, 1 टीस्पून तक शक्कर और चुटकी भर बेकिंग सोडा और ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर 1 टीस्पून। मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ और जो ड्रमस्टिक का पल्प हम लोग ने किया था वो मैं डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे, 2 चम्मच दही डाल रही हूँ, उठिए ये थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, जैसे शक्कर डाला है, दही डाला है और ड्रमस्टिक है, हेल्दी भी है और इसे हमें स्टीम करना है। मोरिंगे के लीव्स इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं, मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मुट्ठी का आटा बन चुका है, अब हम उसे शेप देके उसे स्टीम करना है 10 से 12 मिनट के लिए। पहले हम चलनी को ऑयल से ग्रीस करते हैं, अब हम उसे शेप देके उसे स्टीम करना है। दस से 12 मिनट हो चुके हैं, अपने मुठिया रेडी हो चुके हैं, अभी उसे ठंडा करना है और एक तड़का देना है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, पहले डालती हूँ तेल, 1 चम्मच बड़ा, थोड़ा गर्म हो जाए राई डालते हैं, जीरा, वाइट सॉल्ट, सेसमे सीड, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, 30 सेकेंड में कपे पकते हैं, मुठिया ऐड करते हैं और इसे थोड़ा हाई फ्लेम कर रही हूँ मैं। मुठिया रेडी हो चुके हैं, अपनी दोनों डिश रेडी हो चुकी हैं। रेसिपी सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल धीरा का दरदा को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।